हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं काश 36 अंक का मान कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं कि साइन 18 का मान कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं क्या करिए, हमारे पिछले वीडियो में या यूट्यूब के हमारे चैनल में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वहां पे एक साइड हिस्सा वीडियो आपको मिलता जाएगा। जितने वीडियो पड़े हैं आप देख सकते हैं, सब सूत्र ही है। अगर आप लोग देखेंगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक है सब। साइन 18 का मान निकाले थे, कितना आया था? अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 4, यही मान आया था। हमें निकालना है किसका? कॉस 36 का। किसका निकालना? कॉस 36 का। अगर हम लिख दें थीटा बराबर 18 डिग्री, क्या करें? थीटा बराबर 18 डिग्री लिख दें या 18 डिग्री बराबर थीटा लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात तो एक ही है। क्या करो, दोनों में 2 का गुणा कर दो, दोनों में क्या कर दो का गुणा कर दो, यहां पे भी और यहां पे भी, क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 डिग्री, और क्या हो जाएगा? 2 थीटा होगा, नहीं होगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों में क्या लोगे? कॉस लेने पर दोनों पक्ष में जो कॉस लोगे तो हो जाएगा क्या? कॉस 36 बराबर कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता ना? कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, थीटा बराबर 18 रखे हैं, यहां पे 2 थीटा है और थीटा बराबर कितना हमारा? 18 है, तो थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 18। कितना रख लेंगे? 18 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से 1 माइनस 2 साइन 18, अब साइन 18 का मान पता है कितना है? अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 इसको अलग अलग कर लो, अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद जब खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा नहीं खुलेगा, ये देखो कट रहा है, काट दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां से होगा क्या? 1 माइनस अंडर 5 माइनस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है? नहीं होता है, होता है। जब ए होता है इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा? अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2, ए का मान कितना कर्डी में 5 है और बी का मान कितना है? 1 है, और इसके सबके बटे कितना है? 4 है। कितना? 4 नहीं 8 है, कितना है? 8 बचा हुआ हमारा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, क्या होगा? 1 माइनस अंडर 5 का स्क्वायर है, क्या होगा? कर्डी हट जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस 2 कर्डी में 5/8। अब 5 और 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 8। अब जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, नहीं तो एलसीएम ले ले, पहले एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 कर ले, कितना होगा? 8 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 8 होगा, माइनस करेंगे 6 और प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8। यहां से क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे बचेगा कितना? 1 प्लस रूट 5 बाई 8, इसको काट दो कितना हो जाएगा? 4। तो 1 प्लस रूट 5 बाई 4, 1 प्लस रूट 5 बाई 4, ये हमारा हो गया क्या? कॉस 36 अंश का मान। कॉस 36 का मान कितना आ गया? 1 प्लस कर्डी में 5/4। कहीं कहीं हमको मिलता है क्या? लिखा रहता है कॉस 36 अंश का मान कर्डी में 5 प्लस 1/4। चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, बात एक ही है। क्या करो आप लोग, साइन 18 कॉस 18 या और सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है, आप लोग प्लेलिस्ट को खोलेंगे, एक एक करके सब सूत्र एक साइड से आता चला जाएगा। और आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे
उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, और जब मोटिवेट होंगे तब हम लोग वीडियो और डालते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, आपका हर चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट जैसे मैथ है, मैथ का शुरू से चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग हर एक चैप्टर का वीडियो देख सकेंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर सकेंगे।